अपना कोई नहीं है जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी। कि अपना सतगुरु प्यारा जी। हाँ भाई, मैंने अफसोस है, मैं 5-6 मिनट लेट आया, माफी चाहूंगा संगत। हाँ भाई। महाराज जी, मेरे पहले जीवन के अंदर काफी परेशानियां, काफी तकलीफें रही हैं और मैं उसको भूल नहीं पाई हूँ। और जिस व्यक्ति ने वो परेशानियां मेरे जीवन के अंदर पैदा की, या जो व्यक्ति उस परेशानियों का कारण बना, उसको मैं क्षमा नहीं कर पाई हूँ, और ना ही मैं अपने पिछले बीते हुए समय में जो परेशानियां हुई हैं उसको भूल पाई हूँ। हालांकि मैंने कोशिश की है, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हुई हूँ। तो महाराज जी, क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरह से हम अपने पिछले बीते हुए वक्त के अंदर जो परेशानियां हुई हैं उनको भूल सकें, और किस तरह से उन व्यक्तियों को क्षमा कर सकें जो इन परेशानियों का कारण बने हों। हाँ, सब संतों ने इस दुनिया में परेशानियां का कारण किया है, परेशानियां का देश किया है। इतने कोई ना कोई एक परेशानी च दूसरी जन्म ले लेंदी है। सच पुछो तो इतने अन्ना अन्ने का आगू है, एक और नगरी है, कोर अंधेरे वाली नगरी है। बड़ी उच्च कोटी के महात्मा सदाए संसार विच आउंदे रहे। अगर ये लोग उन्हां नूं परेशानियां तां ना खड़ियां करदे, तुसीं देख सकते हो वो किन्नी दया किन्ना प्यार लेके आउंदे है। लेकिन असी जो दुनियादार जीव हैं, सोच के देख लो कि असी तां है सारे परेशानियां दा घर। बहुत सारा सोचना पैंदा है सानू इस संसार दे विच रहिंदिआं होइआं, बरीकी दे विच जाके कि जिस व्यक्ति ने सानू परेशानियां पैदा कीतियां हुंदिआं हन, कि असी भी उस दे मतलक कोई अच्छे ख्याल रखे, या असी उस दे नाल अच्छा सलूक कीता। क्योंकि आम तौर दे ते देखा जांदा है कि मन अपने ते इल्जाम नहीं लैंदा गा, दूसरे ते थोपदा है, दूसरे नूं कहिंदा है कि मेरे नूं परेशानियां कीतियां, लेकिन आप अपना आप असी पड़ताल नहीं कर दे गए। प्यारे संत तां दया दा अंग लैके संसार विच आउंदे है, वो दया करनी जानदे है, और दया ही उन्हां दा अंग हुंदा है जो कि प्रभु ने उन्हां नूं विरासत दे विच ही दित्ती हुंदी है। वध तों वध उन्हां नूं माफ़ी दा खजाना दे के भेजा हुंदा है। तुसीं सोच के देख लो, महात्मा दी लोकां ने बहुत बुरी हालत कीती, जैसे कि क्रैश्ट नूं सूली ते चाढ़िया, मंसूर दी पत्थर मार के मौत कीती गई, गुरु नानक नूं कराइया ते कमला कहा गया, गुरु अर्जन देव नूं गैर मनुखी तसीहे दे के शहीद कीता। लेकिन एक खास धर्म दे ठेकेदारां ने धर्म दे नां दे उत्ते कीता, लेकिन महात्मा ने उसका की एक्शन लिया? प्रभु अगे फरियाद कीती कि तू इन्हां नूं माफ कर दे, इन्हां नूं पता नहीं गा कि असी किड्डा बुरा कर्म बना रहे हैं। सोच के देख सकते हो, जो महात्मा नूं इतनी माफी दे के उस प्रभु ने भेजा हुंदा है कि जेड़े जान लैन वाले नूं भी माफ कर देंदे है, वो थानू किस तरह यह सलाह दे सकते हैं कि तुसी बदला लो। महाराज कृपाल सिंह कहिंदे हुंदे सीगे कि वी काल दी नगरी जिहड़ी है, इत्थे तां काल दे राज विच बदला लैंदे है, अख दे बदले अख लैंदा है, जो भी किसी का कसूर आ उही लैंदा है। लेकिन दयाल दे राज विच तां प्यारिओ माफ़ी माफ़ी हुंदी है। सो संत थानू ये नहीं कहिंदे कि तुसी उन्हूं माफ़ ना करो, क्योंकि बेहतर यही हुंदा सत्संगी नूं ये संग नूं सदा कोले रखे। महाराज जी, मैंने आपका वो लेख पढ़ा है जो कि आपने कहा था कि हमें पढ़ना चाहिए, और उसको पढ़ने के बाद में मुझे काफ़ी अफसोस भी हुआ, काफ़ी दुख भी महसूस हुआ, और मैं उसमें से कुछ समझना भी चाहता हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से वापस अपने घर में जाऊँगा तो जो
डाकू मुझ पर हमला करते हैं, जिनमें से दो मेन जो काम और क्रोध हैं जो मेरे पे ज़्यादा हमला करते हैं, जब वो मुझ पर हमला करें यहाँ से जाने के बाद में, और मैं आपके बारे में मधुरता से सोचूं जैसे कि आप यहाँ पर हो, बहुत खूबसूरत, बहुत मधुर हमारे प्रति, तो उस समय जब मैं आपके बारे में सोचूं और आपके बारे में सोच करके काम और क्रोध को अगर पासे करने की कोशिश करूं, तो क्या वो ऐसा नहीं होगा कि जैसे मैंने ये रस्सी आपके गले में डाल दी, प्यार की कुंडी आपके ऊपर डाल दी, लेकिन क्या ये आपके ऊपर बोझ नहीं होगा? मैं इसके बारे में समझना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ भाई, मैंने खुशी है कि आप लोगों ने उस सवाल जवाब में अच्छी तरह विचारिया है, क्योंकि संत बाणी मैगजीन पढ़न की मैं सदा ही सलाह दिना हूं कि उहदे अंदर ऐसे सवाल जवाब प्रेमियों के जिहड़े कीते हुंदे है, जिहड़े कि हर एक दे फायदेमंद हुंदे है, वो पढ़न तो सानू काफ़ी मदद मिल जाती है। सब तो पहला तो सत्संगी नूं ये जिहड़े पंज डाकू है इन्हां दे मुतलक मन नूं अच्छी तरह दस देना चाहिए है कि भी देख पै रहा क्रोध जिहड़ा काम है ये बेइज्जती का कारण बनता है, इंसान नूं जानवर ही बना दिंदा है, कोले खड़ा इंसान देख नहीं सकता कि मेरे कोई मैनू कोई देख भी रहा है, और काम भोग सानू नरकां दे विच लै जांदी है। कामी आदमी शब्द नाम की कमाई नहीं कर सकता गा, उन्हूं शब्द का रस ही नहीं आता गा, बेशक वह कितना भी दुगुना टाइम क्यों ना लावे, काम दे सानू नुकसान मन नूं दस दे रहना चाहिए है। फिर एक ऐसी अग्नि है, ये उपर जितनी भी तुसी अग दे उपर लकड़ियां पाओ ये उतना ज़्यादा पांबड़ बढ़ते हैं, और क्यों ना पहला तो सब तो मन दे नाल असी संघर्ष करिए, उस तो बाद सानू शब्द हुंदे नाल सतगुरों ने लैस किया है, जिहड़े पंज पवित्र नाम है इन्हां नूं तुसी उस वेले भुलो ना, उस वेले तुसी साथ दी साथ इन्हां दा सिमरन भी करो, इहदे नाल तुहानूं मदद मिलेगी। मन जो तुहाडे अंदर उहदा ख्याल पैदा करता है उहदी तरफ तवज्जो ना दिओ, तुसी जरूर गुरु की तरफ उहदे पंज पवित्र नामां की तरफ तवज्जो दिओ, अवश्य सत्संगी नूं मदद मिलती है। तुहानूं पता ही है एक सिपाही फरंट दे उत्ते जांदा है, दुश्मन का बाज दफा जोर पै जांदा है कि उस वेले वो उस दे गए हथियार सिट के कामयाब हो सकता है, कि वह आपदे मालक का निमक हलाल कर रहा हुंदा है अगर वह कैर बन के भजेगा नहीं, उन्हें चाहिए सत्संगी नूं भी चाहिए एक सिपाही की तरह मजबूत होके सिमरन दे जरिए मन दे अगे खड़ा हो जाए, और उहदे अगे हार ना मन्ने। सच्चाई तो यह है कि मन के हमले तो पहले ही सानू उहदे उत्ते सिमरन का तावा बोल देना चाहिए, सिमरन का हमला कर देना चाहिए। जो साढ़े उत्ते काम हमला करता है पहला ख्यालों में आता है, जो असी ख्यालों जगह दे दिने हैं फिर मन की साढ़े ते हमला करता है, फिर असी शरीर ना उस काम की भुख मिटाने हैं, इतों तक कि काम भोगों में फस के असी रूहानियत का दुआलिए हो जाने हैं, रूहानियत के तरक्की नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे सन डूंगे खड्डे सड़दा है, उतों फिर असी निकल नहीं सकते, सारी जिंदगी ऐसी बदबू दिमाग में चढ़ती है, इंसान के दिमाग चो ये ख्याल निकल ही नहीं रहे होंगे। गुरु अर्जन देव जी सानू काम दे जो नुकसान करता है सत्संगी का उहदे बारे समझाउंदे है, हे काम नरक बसराम बोजोनी परमावना है, कि हे काम तू सानू उच्चियां नीवियां जूनियां विच लै जाना है, और साडे जप तप नूं तू हर लैना है, खो लैना है। गुरु अर्जन देव जी महाराज एक जगह सानू होर भी खबरदार करदे है, नेमक स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावै, कड़ी मोहित रंग माणे रलियां बहुर बहुर पछतावै। तुसीं सोच के देख लो, जे असीं मन नूं ये ख्याल दे दईए
के देख प्यारिया एक थोड़े जे बलास वास्ते थोड़े जे सुख वास्ते करोड़ दिन तेन दुख और कष्टा में जाना पेगा को करोड़ दिन का 33,000 साल बनता है। तुसी देख लो जे मन अगर असी ये काटा दस दीए मेरा ख्याल है मन तोबा कर देगा इधर नहीं आएगा। कबीर साहब कहते हैं कि मैं अपनिया बाहां उपर करके गुरु अगे पकार कीती कि मैनू बचा ला है ये दुश्मन घेर दे है कहिंदे मैनू मेरे गुरु ने बचा लिया। सच्चे दिलों अगर असी फरियाद करते हैं एक सच्चाई हुंदी है गुरु जरूर मदद वास्ते पहुँचता है भावें किन्नी भी बिखड़ी जगह क्यों ना हो। सवाल यह हुंदा है कि असी बरीकी नाल ता एक ख्यालां नूं आपदे अंदर जगह दे ही बैठे हुंदे हैं उत्तों टौं कई दफा असी सिमरना भी रचाई बैठे हुंदे हैं। तुसी सोच के देख लो कि अगर असी अंदरों बाहरों सच्चे होइए तां साडी जरूर फकार सुनी जांदी है। गुरु दे उत्ते जो बोझा असी लादे हैं वह हुंदा दुनियावी झगड़िया का जो असी दुनियावी पत्र लिखते हैं ज इंटरव्यू दे विच असी दुनियावी गल्लां करते हैं क्योंकि संतां दा साडी दुनियावी जिंदगी ना कोई लेखा जोखा नहीं हुंदा गा। ये सानू सत्संग दे विच ही समझाउंदे है कि जिन्ने तुसी अपने कार्ज जिंदगी दे शांत मन ना करोगे विवेक बुद्धि ना अपना फैसला करोगे उन्ने ही तुसी शांत जिंदगी बिता सकोगे वध तो वध भजन सिमरन कर सकोगे। लेकिन अगर जे तुसी इन्हां डाकुआं तो बचण वास्ते फरियाद करदे हो तो प्यारे हो ये समझ लो भी असी उच्चे भागां वाले हैं। संत तां चाहुंदे है कि साडे बच्चे इन्हां तो बच के जाण वह एक धोबी की तरह हुंदे है जिहड़े कि आलस नहीं करदे गे वह मेले तो मेले जीव नूं भी मदद पहुँचाउण वास्ते तैयार हो जाते। क्योंकि ज़्यादातर तुहानूं पता है कि पत्नी और पति दे जो संबंध है जो उन्होंने प्यार भरी जिंदगी बनानी है या जीवन स्वर्ग बनाना है वह उन्होंने खुद की ड्यूटी होंदी है। हुण जे पत्नी आउंदी है या पत्र लिखती है वह भी पति च सारे नुक्स कढ के रख दिंदी है जे पति लिखता है उहदे उत्तों दी नुक्स कढ के रख दिंदा है। हुण तुसीं सोच के देख लो एक महात्मा ने आखिर जाके वह पत्र पढ़ना है उहदे दिल उत्ते की बीतेगी की इहे जिहियां जो परेशानियां मीम बीबी दियां हुंदियां हन उहनां नूं घरे बैठ के फैसला करन दे विच की हर्ज हुंदा है। हुण संत किसी नूं इह नहीं कह सकदे गे भी तुसीं अलग अलग हो जाओ इस वो सोच भी नहीं सकते अलग अलग करने वास्ते होर बहुत सारिया गल्लां है। इस तो अलावा भी दुनियादारा दियाँ अगर मैं दसा तो ग्रंथ बन सकता है कि कितनिया कितनिया असी लोग संतां दे उत्ते जाके बेहूदियां गल्लां करन लग जाने हैं जिन्हों का कि रूहानी रतना कोई मतलब नहीं हुंदा। अगर कोई काम तो क्रोध तो बचने वास्ते गुरु अगे फरियाद करता है सच्चाई तो यह हुंदी है कि गुरु नूं खुशी हुंदी है ऐसे जीव की मदद करके। गुरु तो सानू लड़ाउण वास्ते ही इन्हों पंजा ना मुकाबला करन वास्ते ही संसार विच आउंदे है। अगर कोई सच्चे दिन इन्हों का मुकाबला करते है वो जरूर मदद करते है। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सीगा 125,000 ना एक लड़ाऊं तभी गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। साढ़े धर्म ग्रंथां दे विच आउंदा है हिंदू शास्त्रां दे विच के एक एक इंद्री दी 10-10 है हाथी दी ताकत बयान कीती हुई है इंद्रियों नूं रोकना कोई खाला जी दा वाड़ा नहीं गा। हुण तुसी देख लो एक हाथी रोकना भी इंसान वास्ते मुश्किल है कितने 10,000 हाथी दी एक इंद्री विच ताकत लिखी है दाओ दा ये 100 हो गया 25,000 हाथी दी ताकत कल्ले मन विच लिखी हुई है ये 125,000 कराहे पाउण वाली ताकत है जीव नूं। लेकिन गुरु इन्हां दे नाल मुकाबला करन वास्ते ही आत्मा नूं संसार विच आउंदे है। गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे है चिड़ियां तो मैं बाज तड़ाऊं तभी गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। आत्मा साडी चिड़ी है मन साडा बाज है वह कहण लग्या मैं इस नूं आत्मा दे पैरां हेठ रोल दूंगा इहनूं इहदे वस विच कर दूंगा मैं तद ही गुरु कहाऊंगा मेरा गुरु कुल मालक महाराज कृपाल। जिस वक्त
मैनू इत्थे अंदर बिठाउण लग्गिया, अखां ते हत्थ धरिया, कहिंदा देख अंदर अखां खोलणियां बाहर नहीं खोलणियां। मैं सच कहना मैं एक यतीम की तरह, एक लवास की तरह सच्चे दिलों अंदरों भी हिंजुआं सिटियां सी, बाहरों भी अखां विच पानी कढ के दिखाया, लेकिन बाहरले पानी नालों जिहड़ा अंदरला पानी सी अखां दा वो इस तों भी वड्डी कीमत वाला सी। मैं कहा मेरी लाज रख लई, ये काल दा राज है, काल पिछे पिया होया है, मेरी लाज तेरे हथ विच ही है। तुसी सोच के देख सकते हो ये उन्हां दी ही दया सी जिन्हें कि मैनू साबत रखिया। उन्हां दी दया मैनू बचपने तो ही मिलती रही है, क्योंकि इसनू उन्होंने बचाना हुंदा है। पहले दिनों ही उन्होंने ख्यालों के अंदर वो प्रभु का प्यार जाग पैंदा है और बरियाई तो उन्होंने बचाई रखता है। बाबा बिशन दास जिन्हों तो कि मैनू दो शब्द का भेद मिलिया सी, जिन्हों ने कि मजबूत नींद ये जिंदगी दी डाली, उन्होंने मैनू एक दफा कहा क्योंकि मैं जवान अवस्था च सीगा, मैनू कहिंदे देख भी बेटा अगर कोई भी बरियाई तू करेगा, शराब पीएगा, कोई भोगां च फसेगा, लोग मैनू बुरा कहणगे कि ए उहदा चेला है। वह कहण लगे मैथों सुनिया नहीं जाना, जरिया भी नहीं जाना, हो सकता मैं उस वेले आत्मघात भी कर लवा। ये हुण तू सोच के चली कि जिथे सेवक की लाज गुरु के हथ विच हुंदी है, उत्थे प्यारे गुरु की लाज भी सेवक के हथ विच हुंदी है। क्योंकि बाबा बिशन दास ने मैथों सवाए किसी नाम नहीं दिता सीगा, आपका भेद नहीं दिता सीगा, वो बड़े सख्त हुंदे सन। सो प्यारे मैं उन्हां दा बचन काफ़ी उच्चियां नीवियां जगह च मैनू जाना पिया, मैं पल्ले बन्निया। जब मैं घरों मालक दी खोज विच निकलिया, मेरी माता ने कहा सी भी देख बेटा किसी का कपड़ा ना पहरी, किसी का मंके ना खाई, इहदी सानू बड़ी भारी लाज आएगी। जब तेरे कोल खर्चा मुक जावे तू घरे आके खर्चा आसानी नाल लिजा सकदा है, तेनू कोई असी रोकांगे नहीं, तेरे प्यार नू तेरी लगन नू असी समझदे हैं। मैं अज भी अगर जे मैनू कोई मजबूर करदा है, मैं आपदी माता दा बचना दरावना है कि ना मेरी कोशिश है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेटा अगर कोई मजबूर करे उसनू उन्ना को बजाना किसी भी बहाने नाल दे देना है, उहदा भी दिल नहीं तोड़ना गा। और इस तरह बाबा बिशन दास दा जो बचन सी मैं उस शीख के गठड़ी दे नाल आपदी गंढ दे ली पल्ले, कई उच्चियां नीवियां जगह च जाना पिया, देखना पिया, लेकिन वह महापुरश का बचन जो सी कि इहनू पालना है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा सी माड़ा कुत्ता खसमे गाल, और लोग की कहणगे कि फलाने गुरु का शिष्य है। मैं कहना हुंदा कि प्यारे हो शिष्य तो ही गुरु का पता लगता है, जिन्ने किसी गुरु के चंगे शिष्य होणगे उन्ना ही उस दा वध मान होएगा, जिन्ने वो वध दरगाह विच ले जाएगा मालक दे अगे लेके जाएगा उन्ना ही वह अपने आप नूं भागशाली समझेगा। सच्चाई तो यह रही कि बाबा बिशन दास ने कहा कि सदा खेती करके आपका निर्वाह करना है, आलसी नहीं बनना। जब मैं पंजाब छड्डिया फौरन इत्थे जमीन खरीद ली सी, उस वक्त इसनों बीकानेर का इलाका कहिंदे हुंदे सीगे, आके मैं सदा ही हथी किरत की सी। मैनू अज भी कोई आपकी किरत करदियां कदे कोई शर्म मैं महसूस नहीं की, जितने कि जोगरा मैं है मैं जरूर आपकी कोशिश करता रहना। सो प्यारे हो उस तो बाद आ गया क्रोध, क्रोध दे भी तुसी आपदे मन नू जरूर को फायदे दसो कि देख बई क्रोध जिहड़ा है एक बहुत भैड़ी अग है जिस दे उत्ते हमला करदा है, जिस दे कारे अग लग जांदी है उसनू पसम कर दिंदा है, चंगे गुणां ते राख ही बना दिंदा है। लोभ लोभ जिहड़ा है ये मास दे लोथड़े दी तरह इंसान नू बढ़ा दिंदा है, उहदा प्यार ना पुत्र ना हुंदा ना धी ना हुंदा है, वह आपदियां तृष्णा पूरियां करन वास्ते ही लग्या हुंदा है। इहदा भी मन नू अच्छी तरह समझा दिओ कि देख भी प्यारिया लोभ भी आदमी भी परमात्मा की भगती नहीं कर सकता गा। इस यही हालत मोह दा है, मोह ही सानू दुनिया दा वार वार इस संसार विच खिंच के लिआउंदा है। मोह भी एक साडा बहुत बड़ा जानी दुश्मन हुंदा है।
यही हालत हंकार की है। हंकार की उम्र भी ज्यादा बड़ी हुंदी है। ये सारिया इंद्रिया तो मगरों आके हार मनदा है। इस वास्ते आप कहन लगे इन्हों दी बचन की जो दवाई है संतां ने सानू शब्द नाम की कमाई दसी है। अगर असीं शब्द नाम की कमाई करांगे तो साडी आत्मा इन्हों का मुकाबला करन वास्ते एक चिड़ी जैसी कमजोर बाज जैसी ताकतवर हो जाएगी। इहदा मुकाबला करना महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सीगे जदों साडी दुनियादारां दी दुर्दशा और हालत दसदे हुंदे कि असीं यार खाई भी जाने है भी करी जाने हैं। कबीर साहब कहिंदे है कि हथ विच दीवा लैके जदों इंसान खूह दे विच गिरदा है खुद ही उहनूं कौन बचा सकदा है। इस वास्ते सानूं ईमानदारी नाल गुरु दे बताए हुए रस्ते उत्ते चलना चाहिए है। अगर असीं ईमानदारी नाल अपनी ड्यूटी करते हैं भजन सिमरन करते हैं डायरी रखते हैं गुरु अपनी ड्यूटी जरूर करेगा। वो कदे भी अपनी ड्यूटी तो कोताही नहीं करता।